कई भक्त कहते हैं जी हमें मेरे 3 दिन मंत्र ना जपया, मैंने 4-5 दिन मैंने नाम नहीं जपा। क्यों नहीं जपया? कि टेंशन हो गई थी। भले आदमी टेंशन तो हो जा, खर टेंशन भी हो जा, लेकिन भगवान की भक्ति भी अपना करता रहे दुखी सुखी हो के। उस टेंशन को भी पड़ी रहेगी, लेकिन मंत्र भी थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये तो मंत्र इस काल ने तो इतनी टेंशन कर रखी है इस प्राणी के साथ में, गिनती है को ना। गर्भ में को वासनी हो जाए तो टेंशन, और छोटे मोटे व्यवसाय में 100 घाटे बाद दे हूं उसमें टेंशन, पता नहीं कितने प्रकार की समस्याएं हमारे जान डाल रखी है काल ने। काल का ये उद्देश्य है कि ये भक्ति ना करें। जब इनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो तब तो इनमें इतनी टेंशन भर दी या विकार भर दिए, कोई घुटी लावे, कोई जुआ खेले, कोई दारू पीवे, बीड़ी पीवे, सिगरेट पीवे, कोई 2 नंबर के काम में, कोई कोठी बनाने के काम में, यानी को इनको सबको ऐसा व्यस्त कर रखा है कि फुर्सत को ना। और फिर अब ये है भक्ति का समय आ गया, अब ये भक्ति युग आ गया, भक्ति का काल आ गया, समय भक्ति काल बिचली पीढ़ी आएगी। और इसमें काल ने कथित पूरा अंगा ला दिया, ऐसे ये टेक्निकल जो ना ऐसे बना दिए, ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल फोन, टीवी, सैटेलाइट, इंटरनेट, कि ये जीव जब भी आंख खुले रात में या तो मोबाइल में बकवास देख ले, या सामने टीवी रिमोट से ऑन, उठ के भी ना जाना, रजाई में पड़ा पड़ा ऑन कर ले, उसमें नाचने गाने बकवास सुन ले, यानी भक्ति से कोसों दूर रहे ये प्राणी। अब इसने कितना कुछ, अभी 20-30 वर्ष से आप देख रहे हो कितना कुछ ये साइंस ने तरक्की कर दी, या काल गिवन है, इस काल ने दे रखी है। और परमात्मा ने भी ये समय इसलिए चुना था कि अब ये जो जो साइंस के इंस्ट्रूमेंट हैं ये मारा काम आवेंगे। एक जगह बैठे और लाखों करोड़ों जगह टीवी में परमात्मा की महिमा को घर बैठे सुन सका करोगे। हम इनमें बकवाद क्यों देखेंगे, हम भगवान देखेंगे, परमात्मा की चर्चा सुना करेंगे, तो हम इसका सदुपयोग करेंगे। तो पुण्यात्मा ये परमेश्वर कहते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया अर्ताको तैसा लाभ, उसा प्यास न भाग ही जब लग दसैनी आब। जिन्होंने जैसी भी भगवान की भक्ति की है उनको उतना ही लाभ अवश्य मिलेगा, और ओस पीने से प्यास नहीं बुझती, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, प्यास बुझेगी गट गट गिलास पीने तो पानी के, गिलास के गिलास पिया जब प्यास बुझेगी। तो हम पहले क्या करते थे, दान धर्म कितना करते थे, 2 रुपये चढ़ा दिए को 5 मुश्किल थे, 10 चढ़ा दिए तो बड़े खुश होया करते थे, या 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया हनुमान जी के मंगलवार ने, हैं? तो ये हमारी पूजाएं थी, तो ये तो हम ओस चाट रहे थे। और अब आप देख रहे हो पाठ के पाठ करवाए जा रहे हैं, हैं? भगवान के हवन के लिए जोत के पैसे, जोत का घी दान किया जा रहा, ये गिलास के गिलास पिए जा रहे हैं, और इनसे प्यास बुझेगी। कोई पाठ करवा रहा है, कोई वैसे गुप्त दान, खूब वैसे दान दे रहे हैं, तो ये गिलास के गिलास पानी के पिए जा रहे हैं, इनसे प्यास बुझेगी, इनसे आपको पूर्ण लाभ होगा। और सतभक्ति मंत्र करेंगे, आजीवन मर्यादा बढ़ेगी। अब ये टेंशन तो काल ने या पैदा कर रखी है कि भक्ति ना कर सके, लेकिन इन टेंशनों में ही आपने भक्ति करनी पड़ेगी। चाहे रो के करो, चाहे खुश होकर कर लो, दुखी होकर कर लो। मान लीजिए कोई घर का सदस्य उपदेशी नहीं था, उसकी मृत्यु होगी, दुख तो बहुत आता है, क्योंकि हमारा एक हमारे अंदर एक ऐसी व्यवस्था बन गई, हम रह नहीं सकते, रोना भी पड़ेगा, भाई खूब बुरा हाल विलाप भी करेंगे, लेकिन फिर भगवान भी फिर याद रखे परमात्मा, ये क्या ले गए इतने दिन, उन बातों ने ध्यान रखे कि ये के लेके गया। अगर हम ये भक्ति कर रहा होता
परमात्मा इसके इसको जीवन दान भी देता है, इसकी आयु भी बढ़ा देता है यदि सत भक्ति करता है। और ये लेके क्या गया, सारा जीवन बर्बाद कर गया। तो इस प्रकार इन सब विचारों को ध्यान में रख के, सब बातों को विचार करके और भजन जरूर करें। चाहे याद तो बहुत आते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं जो साथी परिवार के परिवारजन, लेकिन भगवान भी रो रो के मालिक ने भी याद रखे, मतलब भूला नहीं भगवान को। और भी कई प्रकार की टेंशन हो जाती है, किसी प्रकार की कई चिंताएं होती हैं, लेकिन चिंताएं तो हैं, चिंता भी नाम से ही समाप्त होंगी और परमात्मा की भक्ति तक करनी पड़ेगी, इन चिंताओं में करनी पड़ेगी। एक समय एक दरोगा जी जून के महीने में यानी गर्मी के मौसम में घोड़ी पर सवार होकर जा रहा था किसी दूसरे गांव में। रास्ते में किसान ने रहट जोड़ रखा था, रहट हर हट। वो रहट क्या होता था कि उसमें एक पुली होती थी लोहे की, उस पुली के ऊपर के ऐसे एक चैन डाल दी जाती थी और उसको कोल्लू की तरह, एक कोल्लू आपने देखे हो हाथ के बैलों वाले कोल्लू, उस तरह कोल्लू की तरह बैल से चलाया जाता था और वो रहट का व्हील घूमता था वह पुली, और उसके ऊपर चैन लगी होती थी। नीचे एक कुआ होता था, वो चैन इतनी लंबी होती थी कि कुएं के जल को छूती थी नीचे तक, और उसके बाल्टियां वेल्ड कर दी जाती थी चैन के ऊपर, और वो बैल से बैलों को चला जा घुमा जाता था कोल्लू की तरह, तो वो व्हील घूमता था और पुड़ी घूमती थी, वह चैन साथ में घूमती थी, और नीचे से पानी आकर के खेतों में डलता था और खाली बाल्टियां वापस चली जाती थी और भरी बाल्टियां चैन के साथ ऊपर आती थी, ऐसे चलती थी, तब वो पानी खेतों में सिंचाई के काम आता था। तो किसान की घोड़ी को प्यास लगी, किसान को भी प्यास लगी, उसने देखा कि सामने रहट चल रहा है और पानी पीवेंगे, घोड़ी को भी पिलाएंगे। अब जो ही उस घोड़ी को निकट लाया वो दरोगा यानी वैसे तो रहट के अंदर से आवाज आया करती थी, वैसे जुगाड़ होया करते थे, वो व्हील व्याल चढ़ा रखे थे, वो चर चू करके वह काफी जोर की आवाज आती थी उससे। वह घोड़ी उस चरचू ने सुनकर, चींचू ने सुनकर, और वह फड़क गई, एक किला दूर जाके डटी। दरोगा जी गुस्से में हो गए, करे किसान या चूचू बंद कर दे भाई, चींचू बंद कर दे, मेरी घोड़ी डर रही है, मैंने पानी पीना और पिलाना है। अब किसान ने वो बैल रोक दिए, जो बैल चल रहे थे कोल्लू को सा फिरा रहे थे, उसने वो चलने से आवाज आ रही थी, पानी भी आ रहा था, तो किसान ने वह बैल रोक दिया तो पानी आना, जल आना भी बंद हो गया और आगे जल सीधा खेत में जा रहा था। खेत में जल साथ साथ, वह जमीन प्यासी थी, पी रही थी, जल घोड़ी के पीने योग्य एकत्रित नहीं रहा, घोड़ी निकट आई, जल था नहीं। दरोगा जी ने कहा कि किसान जल निकाल, उसने फिर बैल का डंडा मार दिया, बैल चला तो चू ची चू, फिर हुई घोड़ी फिर भागी। वो किसान को उसने कहा, दरोगा ने गया चू चू बंद करवा, ची चू बंद कर, उसने फिर बैल रोक दिया, वो फिर घोड़ी लिया, पानी पाया नहीं। तब वो किसान बोला, दरोगा जी इस ची चू में पी गए ना, दोनों मरोगे तुम, तो ये ची चू में ही पीना पड़ेगा, यो जल राम नाम का भाई, जब राम नाम बंद कर दिया तो भक्ति गई, वह चू चू तो फिर फायदा क्या हुआ, वह टेंशन तो सह से भक्ति और बर्बाद होगी, तो इस ची चू में पानी पीना पड़ेगा, जल पीना पड़ेगा भाई, हिम्मत रखो और एक दिन परमात्मा ऐसी कृपा करेगा, या ची चू भी बंद हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा के नाम से सब दुख दूर होते हैं।
कबीर पांच पहर धंधे गया और तीन पहर रया सोए, एक पैर हरि ना बजा कर मुक्ति कहां से होए। आठ पहर 24 घंटे को, आठ पहर में पहले आठ पहर होती थी 24 घंटे की। अब परमात्मा कहते हैं तो एक पैर में आठ, एक पैर में तीन घंटे हो गए। तो परमात्मा कबीर जी ये बताना चाहते हैं कि तीन पैर तत्न धंधा कराया 15 घंटे, पांच पैर तो, और तीन पैर तो सो गया, यानी एक दिन रात टोटल पूरा कर दिया, और एक पैर हरि ना बजा, तीन घंटे भी भगवान को नहीं दिए तूने। पांच पैर धंधे गया, तीन पैर रहा सो होए, एक पैर हरि ना जप्यो मुक्ति कहां से होए। यानी टोटल तीन घंटे परमात्मा ने बता दिए कि पूरे 24 घंटे में तीन घंटे आप भगवान के भजन में अवश्य लगाओ। और उनका ये नहीं है कि स्पेशल एक जगह बैठ के लगा लो, बहुत समय होता अपने पास। जैसे आप जी कोई मजदूरी के लिए जाते हो, घर से वहां तक घंटा एक लगे, मालिक का सिमरन करता जा, बस में बैठकर जा रहे हो कहीं काम, बस वहां भक्ति करे, खेतों में जा रहे हो, खेतों से घर से लेकर वहां तक जो खूब भक्ति करे, अपना मंत्र ने याद रखे। और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो काम करते करते भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जैसे खेत में आली हल जोड़ता जोतता है, हमने देखे पहले ही आली में लक्ष्मीचंद की रागनी गाए जाते, हल भी जोड़े जाते, तो वह भगवान की भक्ति भी करे, कभी आरती करने लग जाए, कभी भगवान की वाणी बोलने लग जाए, कोई फिल्मी गाने गावे है, कोई और बकवाद सोच रहा है। तो इस प्रकार हमने अपना सुमरण में तीन घंटे का समय निकालना चाहिए। जैसे सुबह का नित्यनेम आध पौना घंटा लगता है, 15 मिनट की असुर निकंद्रमणि एक घंटा तो हो गया, आध 35 मिनट की आरती होती है डेढ़ घंटा, बाकी डेढ़ घंटा आपका सिमरण भी हो जाना, सिमरण आध घंटा मंत्र, एक घंटे का श्वास का सिमरण, तो इतना भी आप कंटिन्यू कर लोगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये सत्कर्मानी